हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। मेरा नाम गौतम लखानी है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं हिस्ट्री ऑप्शनल क्रैश कोर्स में। ये जो कोर्स रहेगा, इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं सारे के सारे टॉपिक्स पेपर वन के और पेपर टू के इन अ वे ऑफ अ क्रैश कोर्स। अभी हमारा चल रहा है पेपर वन, जिसमें हम कवर कर रहे हैं फिलहाल एंशियंट इंडिया को, जो एंशियंट इंडिया वाला पोर्शन है। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस देखे होंगे तो उनमें जो है हमने अब तक कवर कर लिया है पोस्ट मौर्यन पीरियड तक, उसमें हमने कवर कर लिया है। आज के सेशन में हम बात करेंगे साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में और सातवाहनास के बारे में जो है हम बात करेंगे आज के सेशन में। सो बिफोर कंटिन्यूइंग विद आवर टुडेज सेशन, देयर इज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट अन अकेडमी इज कमिंग अप विद द 3 डायनामिक बैचेस, 3 मेगा बैचेस, जो कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको हेल्प आउट करेंगे। 20 जुलाई यानी कि मंडे से जो है ये बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, जो आपको हेल्प करेंगे यूपीएससी सीएससी 2021 के लिए। 3 तरह के बैचेस हैं ये। अगर बात करें इन बैचेस के बारे में, तो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज 3 तरह के बैचेस हैं ये, जिसमें कि पहला है बायलैंग्वल जीएस बैच कोर्स, जो कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। दूसरा है हिंदी जीएस कोर्स, जो कि प्योर हिंदी लैंग्वेज में रहेगा। तीसरा है इंग्लिश जीएस बैच कोर्स, जो कि प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। 20 जुलाई यानी कि मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं। पूरा सिलेबस कवरेज कराया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज होंगी, साथ साथ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे और इंटरव्यू तक की आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी इनमें। अगर अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, तो अलग अलग मंथली ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं। 6 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक के आप प्लान चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और इनमें आप जो है 25% से लेकर के जो है 67% तक जो है आप अपना सेव भी कर सकते हैं कॉस्ट को। ओके, सबसे बेटर ऑप्शन जो है इसमें, बेस्ट ऑप्शन जो है वो है यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई जो है आपको पे का ऑप्शन मिल रहा है। आपको हैंड टू हैंड पे नहीं करना अपना पूरा अमाउंट। 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स अकॉर्डिंग टू योर सब्सक्रिप्शन प्लान आपको जो है ईएमआई का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। अगर बात करें 12 मंथ्स के कोर्स की, जिसकी कॉस्ट है यहाँ पर 44,000 रुपीज, जब आप हमारा दिया गया रेफरल कोड रैंक 10 यूज करेंगे, तो ये कोर्स आपको पड़ जाएगा 39,600 में, यानी कि 10% का डिस्काउंट आपको एडिशनल यहाँ पर मिल जाएगा। कोई भी क्वायरीज हैं आपकी तो इस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करिए, जाइए अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करिए, ओके, और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करिए और यूज़ करिएगा हमारा रेफरल कोड रैंक 10, जिससे आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन। क्वायरीज हैं कोई भी इस नंबर के ऊपर कॉल और व्हाट्सएप करिए। आइए आज के सेशन की तरफ चलते हैं, बात करते हैं आज के सेशन की, शुरुआत करते हैं। आज पढ़ेंगे साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में और बात करेंगे सातवाहनास की। आज के सेशन में जो जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो है, उसमें सबसे पहला टॉपिक आएगा कलिंग के किंग का, खारवेल का, यानी कि ठीक है, आपने बहुत ज्यादा जो है अब तक कलिंग के बारे में सुना होगा। इतना जो हमने अभी डिस्कस करा मौर्यास टाइम पे कि कलिंग कितना ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता था, उसके किंग जो है खारवेल, उसके बारे में बात करेंगे हम। फिर हम सातवाहनास को देखेंगे, ओके, फिर उसके बाद संगम एज की बात करेंगे, यानी कि साउथ इंडियन हिस्ट्री की, जिसमें चोल, चेर, पंड्या, इन तीनों के बारे में जानकारी लेंगे और उस टाइम की सोसाइटी और इकोनॉमी को समझेंगे। तो ये सब टॉपिक्स जो है आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। काफ़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से आपको मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपको आज के सेशन पर मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। याद रखिएगा, किसी का भी कोई डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं नीचे, और अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इन नोट्स की एक्सेस चाहिए, इनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इनका आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, ओके, जाइए जाकर के हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करिए, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो बात करेंगे खारवेल की। कौन था खारवेल? खारवेल था कलिंग का शासक, ठीक है, कलिंग का किंग था कौन? खारवेल। तो जो खारवेल था वो बिलोंग करता था महावेगवाहन डायनेस्टी को। कौन सी डायनेस्टी को? महामेघवाहन डायनेस्टी को जो है ये बिलोंग करता था। अब इसके बारे में हमें जानकारी जो मिल रही है, खारवेल के बारे में जानकारी, वो हमें मिलती है हातिम गुम्फा इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। हातिम गुम्फा इंस्क्रिप्शन कहाँ है? जो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, उससे कुछ दूर पर जो है एक हिल्स पड़ती है, यानी कि एक टूरिस्ट स्पॉट है आज की डेट में, उदयगिरी और खांडागिरी हिल्स है वहां पर, ठीक है। तो उदयगिरी हिल्स में जो है ये हातिम गुम्फा इंस्क्रिप्शन वहां पर हमें मिलता है देखने को, ओके। यहाँ से जो है हमें खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। अगर बात करें खारवेल की, तो खारवेल बिलोंग करता था छेदी क्लैन को। अब छेदी दिमाग में आपके सुनते ही यहाँ पर एक चीज आनी चाहिए, एक स्ट्राइक होना चाहिए आपके माइंड में,
वो ये है कि कौन थे छेदी। छेदी आपको याद होगा ये महाजनपद एरा में थे, जो आज का बुलंदशहर वाला एरिया है ना, बुंदेलखंड वाला सॉरी, उस एरिया में जो है ये लोग थे छेदीज जो थे। तो वहीं पर जो है माना जाता है कि आगे चल करके ये जो खारवेल थे ये इसी छेदी क्लैन को जो है बिलोंग करते थे, और जो कलिंग की महामेघवाहन डायनेस्टी थी उसको जो है ये कौन थे उसके उसको ही आगे चल करके इन्होंने थे उसके अंदर। ये अगर बात करें खारवेल की तो छेदी डायनेस्टी को यानी कि छेदी क्लैन को ये बिलोंग करते थे। तो कलिंग ने इनके टाइम पर सबसे ज्यादा जो है क्या करा, अपनी एमिनेंस को जो है, अपनी जो पावर खो चुके थे वो लोग हारने के बाद अशोक से, उसको क्या करा, रीस्टोर करा। अब आपको ध्यान होगा जब हमने अशोक के बारे में पढ़ा था तो जब जिक्र आया था कि अशोक के एडिक्ट से जो है, कलिंग एडिक्ट से हमें जानकारी मिलती है कि किस तरह के उसने कलिंग के शासक को हराया, वहां पर कलिंग के ऊपर कैप्चर करा, एनेक्स करा उसे अपनी एम्पायर में, और कलिंग के लोगों से उसने माफी मांगी क्योंकि इतना ज्यादा डिवास्टेटिंग युद्ध हुआ था। बट उस एडिक्ट से भी जो है हमें कोई जानकारी नहीं मिलती कौन से शासक को हराया या कौन से किंग थे उस टाइम पर, कौन सी डायनेस्टी थी जिनको हरा करके जो अशोक है उसने अपनी एस्टैब्लिशमेंट करी वहां पर, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। तो हमें जानकारी जो मिलती है ये मिलती है कि कलिंग के बारे में मिलती है हातिम गुम्फा इंस्क्रिप्शन से, जो कि खारवेल के मिलिट्री माइट के बारे में जानकारी देता है, उसके बारे में बताता है। तो जो खारवेल था वो उसने अपना मिलिट्री माइट से यानी कि अपनी मिलिट्री पावर से जो है क्या करा, कलिंग को पावर को रिस्टोर करा। अब आप देखिए इसने क्या करा कि जो मगध वाला एरिया है यानी कि जहाँ पर शुंग थे उनको हराया, अंग साथ वाहनास इन सबको हराता हुआ पांड्या अंपायर तक जो है इसने उन लोगों के साइड भी जो है इन्होंने कॉन्कर करा, और कलिंग को एक बहुत ही बड़े एम्पायर के अंदर इसने तब्दील कर दिया। अगर आप इसके बारे में बात करें तो माना जाता है कि ये जो था खारवेल जो था, जो तमिल कन्फेडरेसी थी यानी कि चोल चेर पंड्या वाली, उनको है इन्होंने ब्रोक किया था, वहां जाकर के हराया था इनको। और बोला जाता है इनके बारे में कि जो वेस्टर्न पावर्स थी यानी कि जो इंडो ग्रीक्स आए उनको भी जो है इन्होंने हराया। कुछ हिस्टोरियंस का यहाँ पर कहना है कि ये बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके बताया गया है खारवेल के बारे में, उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके उसके बारे में जानकारी दी गई है, क्योंकि कई लोगों का कहना है यहाँ पर जैसे कि मेंशनड है कि खारवेल ने जो है पुष्यमित्र शुंग को हराया था, और पुष्यमित्र शुंग ने खारवेल की सुजनेटी एक्सेप्ट कर ली थी, यानी वो क्या हो गया था, एक वसल बन गया था कलिंग का, यानी पुष्यमित्र शुंग वॉज अ सबऑर्डिनेट ऑफ द खारवेल, ये बता रहा है ये इंस्क्रिप्शन यहाँ पर, मतलब जो खारवेल के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके बताया गया है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो है वो खारवेल का कंटेम्प्रेरी था ही नहीं, उनके अलग अलग अपने इस बारे में व्यूज़ हैं। वहीं बात करें अगर रिलीजन को लेकर के, जो खारवेल हैं वो जैनिज्म को उन्होंने पैटर्नाइज किया, हालांकि और रिलीजन्स के प्रति भी वो क्या रहे, टॉलरेंट रहे। अगर बात करें खारवेल की जनरलशिप की यानी कि इनकी जो मिलिट्री शिप थी, तो उसमें जो है कलिंग जो है एक बहुत ही ज़्यादा मैरीटाइम रीच तक पहुंचा, बहुत ही सुपर पावर बन करके आया वो मैरीटाइम ट्रेड की। आकर आपको याद होगा जब हमने अशोक के बारे में बात करी थी तो पढ़ा था कि कलिंग क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। कलिंग कहाँ पर है, ये जो मॉडर्न डे ओडिशा पड़ता है, यानी कि अगर हम आज हमारे कोस्टल प्लेन्स को देखें तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के ऊपर जो नॉर्दर्न सिरकार्स वाला एरिया है प्रेजेंट डे का, वहाँ पर जो है ये बिलोंग करते थे खारवेल, इनके पास था वो एरिया। तो अब आप देखिए यहाँ से क्या था कि जो इधर की कंट्रीज थी यानी कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी, चाहे वो म्यांमार हो गया यानी बर्मा, या उसके बाद थाईलैंड हो गया जिसको सियाम बोला जाता था, या वियतनाम, कंबोडिया, इन सब से क्या है इनके ट्रेडिंग रिलेशंस थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इन्हीं सब ट्रेडिंग रिलेशंस की वजह से, इन्हीं सब मैरीटाइम ट्रेड की वजह से जो है कलिंग के पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आई, वो अपने आप को मजबूत कर पाया। कलिंग के बारे में कहा जाता है कि उनके पास जो है बहुत बड़ी जो थी आर्मी थी उन लोगों के पास। ओके, खारवेल जो है 13 साल तक उसने राज करा, उसके बाद जो है उसका आगे बेटा आ गया, ठीक है। तो जिसके बारे में माइनर चीज़ें जो है हमें उस इंस्क्रिप्शन से पता चलती हैं, ज़्यादा जानकारी उसके बारे में नहीं है। तो ये है हातिम गुम्फा इंस्क्रिप्शन खारवेल का, देखिए आपके जो स्क्रीन पे आ रहा है इस टाइम पर, ये खारवेल का हातिम गुम्फा इंस्क्रिप्शन है। कहाँ पर है, उड़ीसा भुवनेश्वर में उदयगिरी हिल्स में ये है, यहाँ पर मिलता है। इसके ऊपर पूरा का पूरा यहाँ पर और अंदर जो है पूरा इंस्क्रिप्ट डिपेक्टेड है, चीज़ें लिखा गया है खारवेल के बारे में, उसके मिलिट्री अकम्पलिशमेंट्स के बारे में, यहाँ पर आपको खारवेल दिख रहे हैं साथ में, ठीक है। तो हातिम गुम्फा इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन है ये, 17 लाइंस का डीप कट इंस्क्रिप्शन है जो कि ब्रह्मी लेटर्स में लिखा गया, यानी कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है ये।
ठीक है, वहीं बात करें अगर इसकी, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये रॉक एडिक्ट जो है अशोका का, जो कि ढोली में पड़ता है यानी कलिंग वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है, उसके जो है 6 माइल्स आगे जो है ये सिचुएटेड है। मैं यहाँ पे पर्सनली, मैंने यहाँ पर मैं गया हूँ, दोनों जगहों को मैंने देखा है, इस ढोली के जो रॉक एडिक्ट है अशोका का उसको भी देखा है, और साथ में मैंने ये हातिम गुम्फा इंस्क्रिप्शन भी देखा है। तो दोनों के बीच में जो अप्रॉक्स डिस्टेंस है वो 6 माइल्स का डिस्टेंस है। जो अशोका का एडिक्ट है वो बताता है कि किस तरीके से मगध ने जीत हासिल करी कलिंग के ऊपर। वहीं बात करें अगर हातिम गुम्फा इंस्क्रिप्शन, तो वो बताता है कि किस तरीके से कलिंग ने जीत हासिल करी मगध के ऊपर। तो इस चीज़ों के बारे में यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। जो ये इंस्क्रिप्शन है, ये माना जाता है कि 13th ईयर ऑफ जो खारवेल था उसको जो है बिलोंग करता है, ये उस टाइम को बिलोंग करता है, और अप्रॉक्स जो इसकी डेट मानी गई है वो 157 BCE के मानी गई है। बट कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ये जो है खारवेल का जो इंस्क्रिप्शन है वो उसका कंटेम्प्रेरी नहीं है। ऐसा क्यों कहा जाता है? बिकॉज खारवेल का जो एक्सेशन देखा जाता है वो देखा जाता है 170 BCE में देखा जाता है, ओके। बट कई लोगों का मानना है कि जो ये इंस्क्रिप्शन था जो कि बताता है हातिम गुम्फा, ये खारवेल का कंटेम्प्रेरी नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आप और इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस के बारे में देखिए। अगर हम बात करें जैसे कि जो नानागढ़ का इंस्क्रिप्शन है, जो नानागढ़ का इंस्क्रिप्शन है जो कि नागनिका द्वारा बनाया गया है, वो बताता है सतकर्णी वन के बारे में। इसी तरीके से गौतमी बलसारी जो कि गौतमी पुत्र सतकर्णी की मदर है, उनका इंस्क्रिप्शन जो है नासिक का, वो बताता है गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में। तो ये कुछ जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर किंग का इंस्क्रिप्शन जो कि उस किंग के बारे में जानकारी दे रहा है वो उसी किंग ने बनवाया हो। तो यहाँ पर इस चीज़ का खंडन हो जाता है, ठीक है, कि जो हातिम गुम्फा इंस्क्रिप्शन है वो खारवेल के टाइम का ही है, खारवेल ने ही उसको बनवाया, हो सकता है आगे उसके सक्सेसर्स ने बनवाया हो। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब था कुछ हातिम गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में, जो कि हमें खारवेल की अर्ली लाइफ के बारे में और उसके मिलिट्री अकम्प्लिशमेंट्स के साथ साथ उसकी टाइम की इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताता है, ओके। सो यहाँ हो गया, हमने खारवेल को डिस्कस करा अब तक। अब हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे सातवाहनास को, सातवाहन अंपायर के बारे में जानकारी लेंगे। तो सातवाहनास के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ा सा अन अकेडमी प्लस के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। अन अकेडमी प्लस के बेनिफिट्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अगर आप अन अकेडमी प्लस सब्सक्राइब करेंगे तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे जो कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि आप सबको पता है एनसीईआरटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन में। तो जब आप अन अकेडमी प्लस सब्सक्राइब करेंगे तो 6 to 12 की एनसीईआरटी और उनके कोर्सेज जो है आपको मिलेंगे, जिनसे आपको अन अकेडमी को एनसीईआरटी को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। उसके अलावा इकोनॉमी कोर्स, ज्योग्राफी कोर्स, पॉलिटी कोर्स और साथ साथ साइंस एंड टेक के कोर्सेज भी आपको मिलेंगे। सब स्फेयर्स जो हैं आपकी प्रिपरेशन के, सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपको यहाँ हेल्प आउट होंगी, उनके आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। साथ साथ जो प्रॉब्लम रहती है नोट्स की, यहाँ पर आपको वो भी सॉल्व होगी, क्योंकि अन अकेडमी सब्सक्राइब करने पर आपको मिलेगा 5000 pages के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स, जो कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स को सारे जीएस पेपर्स के साथ डील आउट करेंगे। तो नोट्स की प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व होगी आपकी। उसके अलावा जो है आपको यहाँ पर्सनलाइज मेंटोरशिप मिलेगी थ्रू कॉल एंड व्हाट्सएप फ्रॉम आरती मिश्रा मैम। कोई भी आपकी क्वारीज हैं आप आरती मिश्रा मैम से डायरेक्ट कॉल करके जो है पूछ सकते हैं। ये आपको बेनिफिट मिल रहा है रैंक सिक्योर की तरफ से और अन अकेडमी प्लस की तरफ से। उसके अलावा आपको जितनी भी स्टैंडर्डाइज्ड बुक्स हैं उनका पीडीएफ कंपाइलेशन भी यहाँ पर आपको मिलेगा। तो बुक्स के ऊपर भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप सब्सक्राइब करें तो यूज़ करिएगा हमारा रेफरल कोड, इससे आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन। कोई भी क्वारी है इस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करिए। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं सातवाहनास के बारे में। तो जो ये सातवाहनास थे, सातवाहनास जो थे ये थे अपना कहाँ पर, जो जब पोस्ट मौर्य टाइम के बारे में जब हम बात करते हैं तो डेक्कन इंडिया में, जब मौर्यास के हाथ से जो है डेक्कन निकल गया, मौर्यास कहाँ पे सीमित होके रह गए, मौर्या सीमित होके रह गए, मगध एम्पायर सीमित होके रह गया कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ गैंगेटिक वैली में, चाहे वो लेट मौर्यन किंग्स के टाइम पर हो, चाहे वो शुंग्स के टाइम पर हो या कणव डायनेस्टी के टाइम पर हो। तो इस टाइम पर इस एरिया में जो आपको यहाँ एरिया दिख रहा है, ये यहाँ पर जो है डायनेस्टी एक आई, वो थे सातवाहनास, ओके। सातवाहनास ने जो है तकरीबन 400 साल तक जो है इन्होंने राज किया, 400 साल तक एक इम्पॉर्टेंट पावर बन के रहे। अगर इन सातवाहनास के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया अप्रॉक्स 450 ईयर्स तक जो है इनका रूल ने लास्ट किया, ठीक है। मौर्यास के बाद जब मौर्यास का डिक्लाइन हुआ तब इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट इस्टेब्लिश कर ली और इनको बोला जाता था आंध्रास, आंध्रास के नाम से इनको जाना जाता था।
पुराण्स और इंस्क्रिप्शंस जो है इनके बारे में जानकारी देते हैं, अलग अलग पुराण बताते हैं इनके बारे में। अगर इंस्क्रिप्शंस की बात करें, चाहे वो नासिक का इंस्क्रिप्शन हो, ठीक है, जो कि बताता है गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में, चाहे वो नानागढ़ का इंस्क्रिप्शन है जो कि सतकर्णी वन के बारे में जानकारी देता है, तो अलग अलग इंस्क्रिप्शंस हैं जो इनके बारे में जानकारी देते हैं हमें। उसके अलावा इस टाइम के जो न्यूमिस्मेटिक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वाइंस हैं इस टाइम के जो सातवाहनाज ने इशू करे वो हमें बहुत ज़्यादा जानकारी देते हैं इस टाइम की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। ओके, बताते हैं कि इस तरीके से जो है सातवाहनास जो है मिलिट्री जो मैरिटाइम पावर थे, नेवल पावर थे वो। ओके, अगर बात करें इनके फाउंडर की तो सिमुक इनके फाउंडर थे, उसके बाद आगे चल करके कृष्णा आए जिन्होंने एम्पायर को आगे चल करके एक्सटेंड किया वेस्ट में, नासिक वाले एरिया में यानी महाराष्ट्र वाले एरिया में। उसके बाद श्री सतकर्णी आए जिन्होंने आगे चल करके मालवा और बेराड़ वाला एरिया भी जो है उसको भी कॉन्कर करा, कैप्चर करा। फिर जो है उनको माना जाता है काफी सारे उन्होंने अश्वमेधा सेक्रीफाइस भी करे। इसके अलावा जो सातवाहन डायनास्टी के किंग है हाल जिनका नाम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग ही उन्होंने 5 साल ही उन्होंने जो है राज किया, बट वो एक बुक लिख के गए जिस बुक का नाम था गत सतपति सप्तसती सॉरी। ये जो है सातवाहनास के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हमें देती है ये बुक जो है, ठीक है, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि हाल ने लिखी थी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इम्पॉर्टेंट रूलर्स की जो कि सातवाहन डायनेस्टी की बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं, वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है ही इज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द सातवाहनास। 24 साल तक इन्होंने जो है अपना राज करा और इनका जो टाइम माना जाता है वो माना जाता है 106 से लेकर के 130 AD तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। इनके अचीवमेंट्स के बारे में हमें जानकारी मिलती है नासिक इंस्क्रिप्शन से जो कि इनकी माताजी द्वारा यानी गौतमी बलसरी द्वारा जो है जानकारी देता है हमें। उसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है उन्होंने पूरा का पूरा डेक्कन तक जो है अपने एम्पायर को एक्सपेंड करा और नागपना जो कि मालवा रूलर है उनके ऊपर भी इन्होंने जीत हासिल करी, ठीक है। साथ साथ इन्होंने ब्राह्मणिज्म को जो है क्या करा, पैटर्नाइज करा। बट जैसे कि आप सबको पता है कि बुद्धिस्ट पॉपुलेशन भी बहुत थी उस टाइम पर, तो बुद्धिज्म को भी जो है इन्होंने उसको भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया, डोनेशंस वगैरह दी, ठीक है। उसके बाद जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद आगे चल करके इनके बेटे आ जाते हैं जो कि हैं वशिष्ठ पुत्र पुलमई। बताते हैं कि उन्होंने अपना कृष्णा रिवर तक जो है अपनी एम्पायर को जो है इन्होंने एक्सटेंड किया आगे चल करके। जो सातवाहनाज हैं जैसे कि मैंने आपको बताया न्यूमिस्मेटिक्स यानी कि क्वाइंस इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं, तो इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो बहुत डिफरेंट मिलती है। जैसे कि जो इनके क्वाइंस हैं उनके ऊपर जो है शिप्स के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए आप यहाँ पर ये क्वाइन दिख रहा है आपको, इसके ऊपर एक शिप बना हुआ है, तो ये जानकारी देता है कि जो सातवाहनास थे वो बहुत इंपॉर्टेंट नेवल पावर थे उस टाइम पर और मैरिटाइम ट्रेड में उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, यानी प्रोमिनेंट थे वो मैरिटाइम ट्रेड में भी। उसके बाद जो है यजन श्री सतकर्णी जो कि लास्ट रूलर आ जाते हैं सातवाहनास के, ही वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर। आगे चल करके फिर अलग अलग डायनास्टीज आ जाती हैं, सातवाहनास का अंत हो जाता है। सातवाहनास के टाइम की अगर इकोनॉमिक कंडीशन को समझे, हमने पॉलिटिकल सिचुएशंस देख ली, अगर इकोनॉमिक कंडीशन को समझें तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करा इनके टाइम पर। ऑर्गेनाइज गिल्ड्स थी, गिल्ड्स कौन होती थी, मर्चेंट्स के ग्रुप होते थे, मर्चेंट्स के एसोसिएशन होती थी, श्रेणी जिनको बोला जाता है। उसके अलावा अलग अलग तरीके के क्राफ्ट भी जो है डेवलप हुए इस टाइम पर, पॉटर्स हो गए, वीवर्स हो गए, ऑयल प्रेसर्स हो गए, ये सब लोग आए। साथ साथ सिल्वर क्वाइंस इन्होंने चलाए जिनको क्या बोला जाता था, कारशपांस जिनको बोला जाता था ट्रेड में, यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो सिल्वर क्वाइंस के थ्रू होता था। इसके बाद सातवाहनास के बारे में जो है हमें ओवरसीज कमर्शियल एक्टिविटी के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिलती है। जैसे कि आपने अभी देखा कि जो मैरिटाइम ट्रेड को बता रहे हैं इनके क्वाइंस जिनके ऊपर बोट बनी हुई है, उसके अलावा टॉलमी जो है उस टाइम पे जानकारी देते हैं कि काफी सारे जो पोर्ट्स थे मेन पोर्ट्स डेक्कन के वो सातवाहनास के अंडर थे। अगर वेस्ट में बात करें तो कल्याणी का पोर्ट जो है इनके पास था, कल्याणी का पोर्ट यानी कहाँ पर हो गया, कोंकण कोस्ट पे जो मालाबार कोस्ट है प्रेजेंट डे की उस एरिया में। वहीं अगर बात करें गंडकशेला का या गंजम कोस्ट जो पोर्ट हो गया, ये है ईस्ट कोस्ट पे यानी कि कहाँ पर, कोरोमंडल या नॉर्दर्न सरकार्स वाले एरिया में। ये कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स थे इनके पास, तो हमें पता चलता है इससे कि कितनी ज्यादा इनकी मैरिटाइम इन्फ्लुएंस थी और मैरिटाइम पावर थी इनकी। उसके अलावा इन्होंने कल्चरल कंट्रीब्यूशन भी करे, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म को जो है इन्होंने पैटर्नाइज करा। साथ साथ बुद्धिस्ट मॉन्क्स को लैंड ग्रांट्स दी गई, अलग अलग विलेजेस जो हैं ग्रांट्स में दिए गए जिससे कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज का खर्चा चल सके। कई चैत्यास बनवाए, विहारास बनवाए, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनवाई। और जो माना जाता है वशिष्ठ पुत्र पुलमई थे उन्होंने जो है अमरावती स्तूप को भी क्या करा, रिपेयर कराया।
साथ साथ जो है नागार्जुन कोडा में भी उन्होंने अलग अलग आर्किटेक्चर्स कराए, तो पता चलता है इन्होंने बुद्धिज्म को भी जो है कल्चरली कॉन्ट्रीब्यूट करा आर्ट एंड आर्किटेक्चर के थ्रू। साथ साथ ब्राह्मणिज्म जो है इनके टाइम पर रिवाइव कर पाया, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था अभी पीछे श्री सतकर्णी के टाइम पर भी और उन्होंने कृष्णा के टाइम पर भी उन्होंने क्या करा था, अश्वमेधा सेक्रीफाइसेस कराए, राजसूय सेक्रीफाइसेस कराए, तो इस वजह से क्या हुआ ब्राह्मणिज्म का एक तरीके से रिवाइवल हुआ। तो देखो आप ब्राह्मणिज्म का रिवाइवल जो है सातवाहनाज में भी हो रहा है और ऊपर शुंग्स के टाइम पर भी हो रहा है, शुंग्स भी ब्राह्मणिज्म को रिवाइव कर रहे हैं वहां पर क्योंकि वो खुद ब्राह्मण थे। तो इस तरीके से ब्राह्मण जो है इस टाइम पर इस एज में आफ्टर द मौर्यास यानी पोस्ट मॉडर्न टाइम पे जो सातवाहनाज हो गए या शुंग्स हो गए उनके टाइम पे ब्राह्मणिज्म जो है बहुत ज्यादा क्या कर रहा है रिवाइव कर रहा है। साथ साथ प्राकृत लैंग्वेज और लिटरेचर को जो है इन्होंने क्या करा पैटर्नाइज करा, जो कि मैंने आपको बताया था सतसई के बारे में जो कि हल ने लिखी थी जो कि एक इनके रूलर थे, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी देता है हमें सातवाहनास के बारे में और एक प्राकृत लिटरेचर का जो है वो बहुत ही सुंदर नमूना भी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कल्चरल कंट्रीब्यूशंस। ठीक है, सो यहाँ पर हो गया सातवाहनास के बारे में। अब बात करेंगे हम संगम एज की यानी कि साउथ इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे, तो उससे पहले यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, वो ये है कि ऑन कमिंग संडे यानी कि 19 जुलाई को जो है 3 आवर्स का मैराथन सेशन होगा जिसके अंदर मैं यानी गौतम लखानी जो है आपको हेल्प करेगा पूरी की पूरी मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री की जो बुक है सतीश चंद्रा द्वारा उसको समझने में, क्योंकि आपने अगर पीछे के टाइम में देखा होगा अभी 2019 में भी अगर आपने यूपीएससी का पेपर देखा होगा सीएससी प्रीलिम्स का तो उसमें मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले साल। तो ये एक लोगों का मिथ था पहले कि क्या नाम है जो यूपीएससी है वो मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री से कुछ नहीं पूछता, बहुत कम पूछता है, बट अगर पिछले साल की बात करें हम तो 4 से 5 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री में वो मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री वाले सेक्शन से ही पूछे गए हैं। तो हम लोग जो है एट रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमीज यूट्यूब चैनल वी वर डूइंग द मैराथन सीरीज, हम इसमें काफी सारी बुक्स जो है कवर कराएंगे। तो ये संडे को यानी 19 जुलाई को 12 बजे दोपहर को यानी 12 नून पे जो है ये सेशन कराया जाएगा, 3 आवर्स का मैराथन सेशन रहेगा ये जिसमें एंटायर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री को मैं कवर करने वाला हूँ। ओके, सो प्लीज आप इसका रिमाइंडर जो है अपने फोन में लगा लीजिएगा, इसका हमने सेशन जो है स्केड्यूल्ड कर दिया है, आपको उसका लिंक मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर, आप जाइए जाकर के उसमें अपने आप को क्या कर दीजिए एनरोल करिए उसमें अपने आप को, ताकि जब ये सेशन शुरू हो तो आप मेडिवल इंडियन हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ पाए। अब बात करेंगे संगम एज की यानी कि साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में, अब हम बात करेंगे यहाँ पर। तो अगर बात करें साउथ इंडिया की तो जिस तरह के ऐसे नॉर्थ इंडिया की एक इम्पॉर्टेंस है हमारे इंडियन हिस्ट्री और कल्चर में, उसी तरह के से जो है साउथ इंडिया की भी उतनी ही इक्वलेंट क्या है पोजीशन है, उतना ही इक्वलेंट क्या है यहाँ पर इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर देखा जाए पिछले पाँच डेकेड्स में यानी कि अप्रॉक्स 50 ईयर्स में लास्ट, तो काफ़ी ज़्यादा हमें जानकारी मिली है डीप साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में। ओके, जो कि हमें उस टाइम पर बताता है कि किस तरीके से साउथ इंडिया ने जो है बहुत प्रॉपरली जो है कि मेमोरियल वे में जो है सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करा था इंडियन हिस्ट्री को। अगर आपको याद होगा जब हमने मेगालिथिक कल्चर के बारे में पढ़ा था जो कि 2nd सेंचुरी BCE के आसपास आता है, तो उसमें हमने जानकारी ली थी साउथ इंडिया के बारे में। साउथ इंडिया के बारे में हमें जानकारी जब मिली थी तो पता लगा था कि जो अपलैंड पोर्शन से पेनिनसुला के, ठीक है, यानी कि फर्टाइल प्लेन से ऊपर वाले जो पोर्शन है वहां पर जो है क्या एक अलग से एक जोन बना हुआ था जहाँ पे मेगालिथिक बिल्डर्स रहते थे। ये किस बारे में इनकी जानकारी थी, क्योंकि जो इनका बरियल्स का स्टाइल था उनको दफनाने का, उस बारे में ये पूरा का पूरा कल्चर डेवलप हुआ जिनको मेगालिथिक कल्चर के नाम से जाना गया। उसके बाद क्या हुआ 3rd सेंचुरी BCE तक होता होते हो, मतलब क्या होने लगा कि इन लोगों ने अपलैंड से ये फर्टाइल रिवर बेसिन तक जो है ये आने लगे। ठीक है, 3rd सेंचुरी BCE में इन्होंने आना शुरू कर दिया और डेल्टाइक एरियाज में आकर के रहने लगे। जैसे जैसे ये लोग डेल्टाइक एरियाज में आकर के रहने लगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, अलग अलग पॉलिटिकल पावर्स का एमर्जेंस हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर डीप साउथ इंडिया में एक हिस्टोरिकल फेज यहाँ पर शुरू हुआ जिस एज को बोला जाता है संगम एज, उसको बोला जाता है ओके संगम एज इसको बोला जाता है। तो अब हम बात करेंगे संगम एज के बारे में। तो सॉरी बिटवीन में यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर कि सर PDF, जो इस लेक्चर्स का PDF है सुशील कुमार जी वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है, आप जाइए जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पर जो है आपको संगम एज का या जितने भी अब तक के सेशंस हुए हैं चाहे मेरे हो चाहे पायल मैम के हो चाहे सुमित सर के हो सबका आपको वहां पर PDF मिल जाएगा। ओके,
तो संगम एज की बात करेंगे। अब ये संगम क्या चीज है, साउथ इंडिया एज की तो बात भी तो बोल सकते हैं ना, जैसे कि हम नॉर्थ में देखते थे मौर्यास आए, मौर्यन एम्पायर हुई, मगध एम्पायर हुई, या अलग अलग महाजनपदा वगैरह हुए, वैदिक पीरियड हुआ, ठीक है। बट अगर साउथ इंडिया की बात आ रही है तो यहाँ पर बात होती है संगम एज की, यानी कि उस टाइम को जो साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानकारी देता है वो है संगम एज। अब ऐसा क्यों कहा गया है, देखो अगर आप देखोगे इधर वैदिक एज जैसे बोला गया हमें, तो वैदिक एज उसको क्यों बोला गया उस पीरियड को नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि वेदास जो है, वैदिक लिटरेचर जो है, उस बारे में हमें जानकारी देता है, इसलिए उस पूरे टाइम को बोला गया वैदिक एज। इसी तरीके से अगर साउथ इंडिया में देखा जाए तो जो संगम पीरियड है या संगम एज है उसमें ऐसा क्यों बोला गया है, बिकॉज संगम्स वर द क्या होते थे, संगम एक तरीके से इस टाइम पर क्या हुआ, लिटरेचर डेवलप हुआ अलग अलग संगम्स में। अब संगम क्या थे, संगम थे संघ, संगम का मतलब है संघ, यानी अगर संस्कृत से बात करें तो संगम का मतलब है संघ, संघ यानी कि एक तरीके से एक एसोसिएशन, एक अकेडमी। तो संगम्स क्या होते थे, तमिल संगम कराए जाते थे, जिसमें कि काफ़ी सारे पोएट्स और जितने भी बार्ड्स हैं वो लोग आते थे, अलग अलग एसेटिक्स लोग भी आते थे, सेजेस भी आते थे, ये लोग आकर के मिलते थे और एक लिटरेचर डेवलप करते थे उस टाइम के बारे में, कंटेम्प्रेरी टाइम पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उस बारे में जानकारी दी जाती थी, चर्चा होती थी कि क्या हो रहा है, और हिस्ट्री डेवलप करी गई, लिखे गए सोर्सेज जो कि हमें इस बारे में जानकारी देते हैं। ये करवाया गया था पांड्यन रूलर्स द्वारा। पांड्यन रूलर्स कौन थे, ये लोग रूल करते थे मदुरई वाले एरिया में, अभी हम इनको आगे चल करके पढ़ेंगे भी। तो इस टाइम की एज के बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर हिस्टोरियंस की बात करें तो माना जाता है कि 300 BCE से लेकर के 300 AD तक की जानकारी जो है हमें संगम लिटरेचर से या संगम एज से जो है हमें मिली है। तो 600 साल का पीरियड अप्रॉक्स माना जाता है संगम एज को। तो इसकी क्रोनोलॉजी जैसे कि मैंने आपको बताया वो फिक्स नहीं है। पहले संगम की बात करें, जो फर्स्ट संगम आया था, फर्स्ट संगम हुआ था जिसके अंदर कहाँ पर, मदुरई में हुआ था। कहा जाता है उसे गॉड्स ने, भगवान ने और लेजेंडरी सेजेस ने, बड़े बड़े ऋषि मुनि ने जो है आकर के उसको अटेंड किया था। हालांकि इस टाइम पर जितने भी चीज़ें बनी या वर्क्स हुए वो सारे के सारे पैरिश हो गए टाइम के साथ साथ, हमारे पास उनका एक भी एविडेंस नहीं है। उसके बाद जो है सेकेंड संगम होता है, वो कहाँ होता है, वो होता है कपटपुरम में जो है इसका होता है। कपटपुरम क्या था, ये पंड्यास की ही एक अलग कैपिटल थी, ठीक है, मदुरई के साथ साथ कटपटपुरम भी जो है इनकी कैपिटल थी। उसमें भी जो है काफ़ी सारे पोएट्स आए और अलग अलग तरीके से जो है इस टाइम पर भी जो है काफ़ी सारी चीज़ें, लिटरेचर डेवलप करा गया। इस टाइम का भी ज़्यादातर लिटरेचर जो है वो क्या हो गया, पैरिश हो गया है। बट सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट सोर्स जो इस टाइम पर बचा है वो की है तोलकापियम, एक तमिल ग्रामर की बुक है जिसको लिखा है किसने, तोलकापियर ने लिखा है। तोलकापियर की बुक है तोलकापियम, जो कि तमिल ग्रामर के बारे में हमें जानकारी देती है। उसके बाद हुए थर्ड संगम की अगर हम बात करें, प्लीज़ यहाँ पर आप मेरे से डेट मत पूछिएगा कि कौन कौन सी डेट पे हुई है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी गिवन नहीं है हमारे पास। बस हमें यह पता है कि तीन संगम हुए थे और उनमें कुछ पर्टिकुलर वर्क्स जो हैं डेवलप हुए। तो जो थर्ड संगम हुआ, फाइनल संगम हुआ, वो हुआ मदुरई में। ये भी किन्होंने कराया, पांड्यन रूलर्स ने ही कराया। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है, वास्ट लिटरेचर डेवलप हुआ, हालांकि कुछ ही उसका कुछ ही फ्रैक्शन जो है हमारे पास इस टाइम अवेलेबल है, ठीक है। तो जितना भी ये डेवलप हुआ तीनों संगम्स में लिटरेचर, उसको कंपाइल्ड वे में बोला जाता है संगम लिटरेचर, जो कि हमें साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। अगर संगम लिटरेचर की बात करें, किस लैंग्वेज में लिखा जाता था, किस स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, तो संगम लिटरेचर जो डेवलप हुआ है उसकी जो स्क्रिप्ट है वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। अर्ली टाइम पे ये लोग भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही यूज़ करते थे। हालांकि जब लेट एंशियंट इंडिया में, यानी कि तकरीबन 500 AD से लेकर के अर्ली मेडिवल टाइम तक, यानी कि 1000 AD तक जो है, तकरीबन 300-400 साल जो है, इन्होंने एक अपनी एंगुलर स्क्रिप्ट डेवलप करी, जो कि ग्रंथ स्क्रिप्ट जिसको बोला जाता है, और इसी से जो है आगे चल करके तमिल लैंग्वेज का क्या हुआ, डिराइव करी गई तमिल लैंग्वेज, इसी स्क्रिप्ट से डिराइव करी गई, ठीक है। अगर बात करें संगम लिटरेचर की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी सारा लिटरेचर डेवलप हुआ इसमें, तो जो कि सब सेकंड संगम में डेवलप हुआ था तोलकापियम, ठीक है। उसके बाद जो है थर्ड संगम की अगर हम बात करें, तो एतू तो गई, पतुपट्टू, पथिनेन किलकन्नू, और टू ग्रेट एपिक्स भी जो है इन्होंने बनाई। एपिक यानी महाकाव्य, जैसे कि वैदिक एज में या उस टाइम पर जो है रामायण महाभारत लिखी गई, इसी तरीके से इन्होंने भी जो है ट्रू एपिक्स बनाए, जिसको बोला जाता है शिल्पादिकरम एंड मणिमेघलई,
जो कि इस बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी देते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो कि हमें बताते हैं ये, जो कि तोलकाप्पियम की बुक है, जिसको लिखा तोलकाप्पियम जो बुक है लिखा किसने है, तोलकाप्पियर ने। ये क्या है, तमिल ग्रामर की बुक है, ये लिटरेचर को बताती है साथ साथ सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को भी जो है इस बारे में बताती है संगम पीरियड की। उसके अलावा जो एतु तो गई है, ये 8 बुकों का ग्रुप यानी 8 बुक्स का ग्रुप है, ये 8 एंथोलॉजीज हैं, अलग अलग वर्क्स हैं इसमें जो कि उस टाइम के बारे में जानकारी देते हैं। वहीं बात करें पट्टू की, जो कि 10 वर्क्स हैं उसके अंदर, 10 वर्क्स हैं यानी कि वो कंपाइलेशन है 10 वर्क्स का, ये उनकी नाम है कुछ, ये भी उस बारे में जानकारी हमें देते हैं। वहीं बात करें अगर एतु तो गई की और पट्टू की, जैसे कि मैंने आपको बताया इनके अंदर अलग अलग स्टोरीज हैं जो कि लव स्टोरी से लेकर के उस टाइम के किंग्स के वेलर के बारे में यानी कि उनके उनके पराक्रम के बारे में हमें जानकारी देते हैं, उनके मिलिट्री माइट के बारे में जानकारी देते हैं। ओके, उसी इसी इसी तरह के से जो एक अलग बुक है जो कि 3rd संगम में डेवलप करी गई थी, पथिनेन के लनकु, वो कि उस बारे में एपिक्स जो है वो एथिक्स जो है उस टाइम के, सॉरी मोरल्स हैं, एथिक्स हैं यानी सोसाइटी से डील करती है ये बुक। वहीं बात करें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क की, वो है तिरुकुर्रल की, तिरुकुर्रल जो बुक है उस टाइम पे थिरुवल्लुवर की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस बारे में उस टाइम की जानकारी देने में। ठीक है, तो जो कि मैंने आपको बताया था शिल्पादिकरम के बारे में, शिल्पादिकरम इनका एक एपिक है जिसको लिखा था इलैंगो एडिगल ने, इलैंगो एडिगल के बारे में हम आगे चल करके बात करेंगे अभी जब पॉलिटिकल डायनास्टीज को पढ़ेंगे। उसके बाद मनी मेघलई आ गया जिसको लिखा था सित्तालई सत्तनार ने, ये भी उस टाइम की संगम पॉलिटी और सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। ओके, ये 2 ग्रेट एपिक्स हैं उस टाइम के। कुछ अलग सोर्सेज भी हैं जो कि हमें साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं संगम लिटरेचर के अलावा, जिसमें कि ग्रीक ऑथर्स जैसे कि मेगास्थनीज हो गया, स्ट्रैबो हो गया, प्लिनी हो गया, पॉलमी हो गया, ये सब भी जानकारी देते हैं, बताते हैं कमर्शियल कॉन्टेक्ट्स थे वेस्ट के बीच में और साउथ इंडिया के बीच में, इस बारे में जानकारी ये हमें देते हैं। अशोकन इंस्क्रिप्शन से भी जो है अलग अलग किंग्स का मेंशन है, चेर चोल पंड्या इनका मेंशन है जो कि साउथ इंडिया में थे। ठीक है, साथ साथ हातिम गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो आ जाता है खारवेल का, वो भी हमें जानकारी देता है कि किस तरीके से खारवेल ने तमिल कॉन्फेडरेसी जो थी चेर चोल पंड्या की, इनको आकर के हराया था। ओके, उसके अलावा अलग अलग तमिल किंगडम्स के बारे में जानकारी देता है, साथ साथ जो यहाँ पर एक्सकेवेशंस करी गई यानी कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुई अरिकमेडू वाले एरिया में या कोडुमनल वाले एरिया में, वो हमें जानकारी देते हैं कि इनके ओवरसीज कमर्शियल एक्टिविटीज में इनका इन्वॉल्वमेंट था, रोमन एम्पायर के साथ, रोमन ट्रेड के साथ था इनका इन्वॉल्वमेंट था उसमें, क्योंकि काफ़ी सारे क्वाइंस जो हैं अरिकमेडू से मिले हैं जो कि रोमन ट्रेड के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये हो गया इनके बारे में जानकारी का सूत्र। अब बात करेंगे इस टाइम की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट डायनास्टीज थी। ये आपके सामने कुछ मैप है, अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे तो 3 इंपॉर्टेंट डायनास्टीज जो है यहाँ पर आपको दिख रही हैं, जिसमें कि यहाँ पर आपको जो मालाबार कोस्ट है यानी कि केरला वाला जो एरिया है हमारा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं चेर, ठीक है, और ऊपर जो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा यानी कि तमिल आंध्र प्रदेश वाला एरिया हो गया ऊपर, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं चोल, ठीक है। वहीं बात करें अगर हम इधर तमिलनाडु वाले एरिया में प्रेजेंट देखिए तो यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं पांड्या। ये आप सबको पता होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पता होंगे इन कोस्ट के नाम। जो ये वाली कोस्ट है इसको बोला जाता है मालाबार कोस्ट, आई होप आप सबको पता होगी ये चीज़, ठीक है। और जो ये वाली कोस्ट है इसको बोला जाता है कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। अब इसके बारे में आगे हम जानकारी लेंगे कोरोमंडल कैसे, क्योंकि जो चोलास थे ना, चोलास को बोला जाता था चोलामंडलम, इनको बोला जाता था चोलामंडलम, तो इन्हीं चोलामंडलम से नाम आया कोरोमंडल, ठीक है, ये थोड़ा सा इनके बीच में रिलेशन है। वहीं अगर हम बात करें इधर केरला वाले में, जो ये चेराज हैं इनको बोला जाता था केरल पुत्रा, इनको केरल पुत्रा भी बोला जाता था चेराज को, ओके, तो जिस वजह से यहाँ पर केरला वाला जो पोर्शन आया। तो ये अलग अलग, फिर उसके अलावा कुछ माइनर चीफ्टेन्स भी थे, कुछ छोटी छोटी डायनास्टीज भी थी, किंगडम्स भी थी, ओके। तो अब इनके बारे में हम आगे चल करके पढ़ते हैं। तो जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है संगम पॉलिटी 3 इंपॉर्टेंट डायनास्टीज में डिवाइडेड है, जिसमें कि चेर आ जाते हैं केरला वाले मालाबार कोस्ट वाले एरिया में, चोल आ जाते हैं कोरोमंडल कोस्ट में जहाँ की जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला एरिया है वहां पर, पंड्या आ जाते हैं तमिलनाडु वाले एरिया में जो प्रेजेंट डे का है उधर, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम चेयर्स के बारे में, कौन थे चेयर। जैसे कि मैंने आपको बताया मॉडर्न केरला वाले एरिया को बिलोंग करते हैं ये, और इनको केरल पुत्र भी बोला जाता था। कैपिटल थी इनकी वंजी, वंजी वॉज देयर कैपिटल,
इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स थे इनके अंडर, जिसमें ये टोंडी और मुसिरी आता है, जिस वजह से इनके यहाँ पर काफी ज्यादा क्या था, ट्रेडिंग जो है, ट्रेड और कॉमर्स था, बहुत ज्यादा फ्लरिश था इनके एरियाज में। उसके बारे में जो चेराज के बारे में जो जानकारी देता है हमें, वो देता है पुगलर का इंस्क्रिप्शन, जो कि 1st सेंचुरी AD के बारे में जानकारी देता है, बताता है 3 जनरेशन के बारे में चेरा रूलर्स की। उसके अलावा जो पदिरुपत्तु है, वो भी हमें चेरा किंग्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स से जानकारी देता है हमें। जो चेरा लथन किंग है उस टाइम के, उनके बारे में जानकारी देता है, या ये 3 किंग्स जो है इनके बारे में जानकारी देता है ये, ठीक है। इमायर अम्बन, नेदुम चेरा लथम और चेरन सिंगुवत्थन, ये कुछ फेमस रूलर्स थे चेरा डायनास्टी के। सॉरी, नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इस चीज़ को इग्नोर करिएगा, बट आपको ये यहाँ पर नाम दिख रहे हैं तो आप खुद इनको देख सकते हैं। वहीं बात करें जो थर्ड इंपॉर्टेंट किंग है, जो कि है चेरन सिंगुवत्थन, ये बिलोंग करते थे कौन से टाइम को, 2nd सेंचुरी AD को जो है ये लोग बिलोंग करते थे। और ये कौन थे, ये यंगर ब्रदर थे, इनका यंगर ब्रदर कौन था, इलैंगो एडिगल। कौन था इलैंगो एडिगल, जिसने शिल्पादिकारम लिखी थी। तो शिल्पादिकारम से हमें काफी ज्यादा जानकारी मिलती है इनके मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में। कहा जाता है कि चेरन सेंगुवत्तन ने जो है एक्सपेडिशन किया था हिमालयाज तक, यानी नॉर्दर्न इंडिया में भी जो है इन्होंने आकर के यहाँ के किंग्स को भी हराया। बट बोल वैसे ही इन्होंने भी काफी ज्यादा एग्जैगरेट करके बताया गया है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी नॉर्थ इंडिया के सोर्सेज में ऐसा कुछ हमें जानकारी नहीं मिलती। उसके अलावा जो है सेंगुवत्तन जो थे, इन्होंने पतिनी कल्ट, यानी कि जिसमें विमेन्स की वर्शिपिंग करी जाती थी, कणगी जो थी, एक आइडियल वाइफ जिनको देखा जाता है, उनका कल्ट जो है इन्होंने शुरू करा था तमिलनाडु वाले एरिया में। तो ये इससे थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चेरास, ठीक है। वहीं बात करें अगर चोलास की, तो चोलास जो है मॉडर्न डे का जो सदर आंध्र प्रदेश वाला एरिया, सदर्न आंध्र प्रदेश वाला एरिया, जहाँ पर तिरुचि डिस्ट्रिक्ट आ जाती है, तो यहाँ पर इनका राज्य था, कैपिटल थी इनकी उरैयूर। उसके बाद इन्होंने पुहार में जो है अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी। करिकाल जो है वो बहुत फेमस किंग है इस टाइम के, और इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, इनकी चीज़ों के बारे में, इनके एक्सपेडिशंस के बारे में, वो हमें मिलती है पट्टिनालपई से, जो एक टेक्स्ट है उस टाइम का, उस बारे में जानकारी देता है। ये हमें बताता है बैटल ऑफ वेन्नी के बारे में, जिसमें जो है इन्होंने चेराज और पंड्यास के साथ साथ 11 माइनर चीफ्स को हरा करके चोलास की सुप्रीमेसी जो है एस्टैब्लिश करी थी। उसके अलावा जो है इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बैटल लड़ी थी, जो कि है वरई वरई पन्नाडल की, जिसके अंदर इन्होंने 9 एनिमी चीफ्स को हराया था। तो करिकाल ने जो है चोलास को एक अलग ही मिलिट्री माइट दिया, मिलिट्री अचीवमेंट्स करी इस टाइम पर, और तमिल कंट्री में, यानी कि साउथ इंडिया में जो है अपना एक इम्पॉर्टेंस प्रोमिनेंट प्लेस इस्टेब्लिश करी। उसके अलावा ट्रेड एंड कॉमर्स तो इनके टाइम पर भी बहुत ज़्यादा था, फ्लरिश कर रहा था ट्रेड एंड कॉमर्स, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से इनके बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग लिंक्स थे। उसके अलावा जो है माना जाता है इन्होंने कल्टीवेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया, एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया। इन्होंने जो है कल्लनई, एक तरह के से एक रिवर, रिवर बनवाई किधर, कावेरी के पास जो है इन्होंने इरिगेशन टैंक्स वगैरह बनाए। तो जो संगम पीरियड है या साउथ इंडिया की हिस्ट्री है, वो इरिगेशन टैंक्स जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में। मॉडर्न डे की भी हम बात करें तो अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे इरिगेशन टैंक्स देखने को मिलेंगे। तो ये एंशियंट हिस्ट्री से ही वहां पर इनकी इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलती है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द चोलास। अब बात करेंगे पंड्यास की। जो पंड्यास हैं, ये मॉडर्न डे का जो हमारा सदर्न तमिलनाडु वाला एरिया है ना, ये लोग वहां पर बिलोंग करते थे, कैपिटल थी इनकी मदुरई। और इन्हीं पंडियन किंग्स ने जो है क्या करा था, संगम लिटरेचर को जो है इन्होंने डेवलप करा था। और अगर बात करें सदर्न तमिलनाडु वाले एरिया के, तो जो पंडियन डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट किंग्स हैं, उसमें आ जाते हैं नेदुयान, पल्लागलसलई और मुडुकुडुमी पेरुवल्लधु। इस तरीके से अलग अलग ये किंग्स हैं। मैं फिर कहूँगा यहाँ पर जो है थोड़ा सा नाम मुश्किल है बोलना, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। उसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट जो है किंग्स, जिनको बोला गया है नेदुन चिल्लियांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ किसी का कोई भी डाउट हो आप ऐसे लास्ट में पूछिएगा, थोड़ा सा सब्र रखिए, जो भी आपको डिस्कस करना है वो प्लीज़ लास्ट में मेरे से पूछिएगा। निखिल त्रिपाठी जी, मैं आपको कह रहा हूँ, आप मेरे से एक बार लास्ट में पूछिएगा, ये ख़त्म होने वाला है सेशन बस यहाँ पर। तो जिसमें कि सबसे पहले थे वो थे आर्य पड्डई कदंत नेदु चिल्लनई। इनके लिए आर्य पड़ई से यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा, आर्य पड़ई का मतलब क्या है यहाँ पर, कि इन्होंने आर्यन फोर्सेस को हराया था। बोला जाता है कि इन्होंने ही जो है कोवलन के एग्जीक्यूशन की बात करी थी, जिस वजह से कन्नगी ने क्या करा था, पूरा का पूरा मदुरई वाला एरिया क्या कर दिया था, जला दिया था। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है हमें, इसके बारे में जानकारी मिलती है शिल्पादिकरम से।
ठीक है। उसके अलावा जो है तल्यनगल्लट्टू जो चेरुवल्लन आए, इन्होंने जो है यहाँ पर एक बैटल जीती थी जिसमें कि है इन्होंने साथ के जो चेरा किंग्स थे उनको हराया था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, साथ साथ जो है इन्होंने तंजोर डिस्ट्रिक्ट में भी जो है यहाँ पर एक बैटल लड़ी थी और यहाँ पे अभी एनिमीज को हराया था। तो ये जो दोनों नेंदु चेलियान हैं, इन्होंने जो है पूरे तमिलनाडु वाले एरिया में जो है क्या कर दिया था, अपनी प्रोमिनेंस जो है पांड्यास की प्रोमिनेंस जो है वो इस्टाब्लिश कर दी थी। इसके अलावा जो है मदुरई कणजी जो कि एक बुक है जिसमें बताया जाता है, जो लिखी थी किसने, मांगुड़ी मरुथरन ने, जो कि बताती है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस की उस टाइम पे बारे में। ठीक है, ये हमें जानकारी देती है इस टाइम के बारे में, ये एक कौन थी, क्वीन थी ये, ठीक है, नेंदु चेलियान की वाइफ थी, जो कि हमें जानकारी देती है इस टाइम की हिस्ट्री के बारे में। उसके अलावा लास्ट अगर बात करें रूलर की तो वो है इरुगई पेरुवलद्दू। इसके बाद जो है आगे चल करके इन्वेजन कर जाते हैं, कालबराज आ जाते हैं यहाँ पर, जो कि आगे चल करके इनको डिमोलिश कर देते हैं पूरी की पूरी पंड्यन किंगडम्स को, मदुरई वाले एरिया को। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द थ्री मेजर पॉलिटिकल डायनास्टीज जिसमें हमने जिक्र करा, चेर डायनास्टी का, चोल डायनास्टी का और किसका, पंड्या डायनास्टी का। सो किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं आप यहाँ पर। अगर बात करें इनकी पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की, तो ये जो डायनास्टीज थी अलग अलग सिंबल से जानी जाती थी, जिसमें अगर चेर डायनास्टी की बात करें तो इनको बो एंड एरो से जाना गया है, ये चेराज का है देखो आप। ठीक है, उसके अलावा अगर चोल डायनास्टी की बात करें तो ये इसका है जंपिंग टाइगर इनका सिंबल था। वहीं अगर पंडियन डायनास्टी की बात करें तो इनकी थी ट्विन फिश। ठीक है, ये अलग अलग फ्लैग्स हैं इन लोगों के जो कि हमें इनके बारे में बताते हैं। ओके, अगर बात करें इनके एडमिनिस्ट्रेशन की तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो किंग होता था, मोनार्क होता था, वो मेन होता था, और जो उसकी पोजीशन थी वो हेरिडिटरी होती थी, उसको असिस्ट करती थी बहुत बड़ी बॉडी जिसमें काफ़ी सारे मिनिस्टर्स होते थे। उन मिनिस्टर्स में अमाइचर जो है वो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से डील करते थे। फिर प्रीस्ट होते थे जिनको बोला जाता था अंथनार, जो कि उस टाइम पर किन से डील करते थे, रिलीजियस एक्टिविटीज से डील करते थे। मिलिट्री कमांडर्स होते थे जिनको सेनापथ बोला जाता था। एनवॉयज होते थे जिनको थुथर बोला जाता था। ये एनवॉयज क्या काम करते थे, आस पड़ोस के किंगडम्स के साथ मतलब एक तरीके से फॉरेन मिनिस्ट्री जो होती है ना, फॉरेन अफेयर्स डील करना, ये उसका काम करते थे। साथ साथ स्पाइज होते थे बहुत इंपॉर्टेंट जो कि हैं उनको ओरर बोला जाता था। अलग अलग टाइटल्स लेते थे ये किंग्स, चेरा किंग्स लेते थे, वन्ना रंभम वन्ना वन, अलग अलग जैसे इस तरीके से टाइटल्स लेते थे। चोला किंग्स भी अलग अलग टाइटल लेते थे, सेन्नई के, वेल्लवन के, किल्ली के, और जो पांड्या किंग्स थे वो थेन्नावर मिन्नावर, ये अलग अलग टाइटल्स ले रहे हैं ये लोग। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में हमने अलग अलग टाइटल्स देखे थे ना, राज महाराजा धीराज, राजा धीराज, महाराज, इस तरीके से ये लोग भी यहाँ पर कुछ टाइटल्स लेते थे। ओके, वहीं अगर इनकी सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर भी चार कास्ट का जो है जिक्र है। ठीक है, उन चार कास्ट में कौन कौन सी कास्ट आ जाती है, अरसर आ जाती है जो कि रूलिंग कास्ट है, रूलिंग क्लास है। ठीक है, फिर उसके बाद अंथनार आ जाते हैं, इनका क्या है, रिलीजन और पॉलिटी में एक इंपॉर्टेंट रोल है, फिर यानी कि आप ब्राह्मण से इनको डील कर सकते हैं। वणिगर्स आ जाते हैं जो कि ट्रेड एंड कॉमर्स में, यानी कि वैश्यास मान सकते हैं आप। फिर वेललाज आ जाते हैं जो कि एग्रीकल्चरिस्ट हैं या लेबरर्स हैं, यानी कि वैश्या सॉरी शूद्रास टाइप आप इनको मान सकते हैं। तो ट्राइबल ग्रुप्स थे, इसके अलावा अलग अलग ट्राइबल सोसाइटीज थी, ये कुछ नाम हैं उनके, इस तरीके से पूरी की पूरी संगम सोसाइटी थी। वहीं अगर हम रिलीजन की बात करें तो इनकी जो प्राइमरी डाइटी थी वो थे मुरुगन। मुरुगन इनके गॉड थे, तमिल गॉड थे इन, ये प्राइमरी डिटी थी इनकी, इनकी पूजा करा करते थे। साथ साथ ये अलग अलग फेस्टिवल्स भी जो है सेलिब्रेट करते थे। और माना जाता है कि संगम लिटरेचर में जिक्र है कि जो मुरुगन है उनके 6 अबॉर्ड हुए, यानी कि उनके 6 अवतार हुए हैं, और उन अवतारों को बोला गया है अरुपड़ई वेड़ू, इन अवतारों को बोला गया है। ठीक है, उसके अलावा और जो गॉड्स हैं उनकी भी वर्शिप होती थी, जैसे कि विष्णु जो कि मायन जिनको बोला गया है, इंद्रन जिनको कि इंद्र को बोला गया है वेंडन, उसके अलावा वरुणान हो गए जो कि वरुण है, और कोरवई हो गए। कुछ जो जो लोग वेलर यानी कि जिन जो लोग इनकी डेथ हो जाती थी लड़ते हुए, तो एक हीरो स्टोन्स भी हैं जो कि ब्रेवरी को दिखाते थे उस टाइम के वॉरियर्स की, उनकी भी पूजा करी जाती थी इन हीरो स्टोन्स की भी। ठीक है, तो ये इस तरीके का उस टाइम पर रिलीजन था वहाँ पर। अगर वुमेन्स की पोजीशन की बात करें तो काफ़ी अच्छी पोजीशन थी, हालांकि इसके बारे में जो है काफ़ी जानकारी भी हमें मिली है, कुछ वुमेन पोएट्स थी। ओके, जैसे कि अवैयर नेचलैयार और ककई पेड़िनियार, ये कुछ उस टाइम पर डेवलप हुई, इन्होंने भी तमिल लिटरेचर में काम करा। साथ साथ जो है उस टाइम पे करेज, वुमेन की करेज के बारे में जानकारी भी हमें मिलती है काफ़ी पोएम से। ओके, तो चेस्टे लाइफ जो है या करपू जिनको बोला गया है, वो वुमेन्स की हाईएस्ट वर्च्यू उसको बोला गया है।
सासा लव मैरिज होती थी, यहाँ पर कॉमन प्रैक्टिस थी। हालांकि बोला जाता है कि जो विडोज की लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी, उनको काफ़ी दिक्कत थी, साथ साथ सती की प्रैक्टिस भी जो है यहाँ पर होती थी। ओके, और डांसर्स भी यहाँ पर थे। तो एक तरीके से ये सोसाइटी भी जो है एक जो वुमेन्स की पोजीशन है उसको इवॉल्व करती गई, अच्छे से बुरे की तरफ आती गई पूरे के पूरे टाइम में। जैसे कि हमने नॉर्थ इंडिया में देखा था वुमेन की पोजीशन के बारे में, पहले बहुत अच्छी थी बट धीरे धीरे आते आते महाजनपद एरा तक वो खराब होती चली गई, आगे भी और खराब हो गई। इसी तरीके से साउथ इंडिया में भी वुमेन्स की पोजीशन खराब होती चली गई। इन लोगों ने जो है फाइन आर्ट्स में, डांस, म्यूजिक, लिटरेचर में भी काम करा काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर रॉयल कोर्ट्स के अंदर जो है म्यूजिशियंस वगैरह जो हैं, जिनको बोला जाता था पन्नार और वेरलियार, ये लोग होते थे जो कि क्या करते थे उस टाइम पे पोएट्री, म्यूजिक, डांसिंग, इन सबको क्या करते थे, डेवलप करते थे। साथ साथ जो है अलग अलग तरह के ड्रम्स या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनको कि यश या ड्रम्स बोला जाता है, ये भी यहाँ पर संगम लिटरेचर में जिक्र मिलता है। साथ साथ जो है अलग अलग तरह के डांसेस जिसमें कि कुथू जो है वो बहुत ही फेमस और एक इम्पॉर्टेंट एंटरटेनमेंट का सोर्स था उस टाइम के लोगों के बारे में। इकोनॉमी की बात करें, एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन था, राइस इन लोगों की कॉमन क्रॉप थी, स्टेपल फूड था राइस और फिश। साथ साथ हैंडीक्राफ्ट्स भी इम्पॉर्टेंट थे, साथ साथ बोथ इंटरनल और फॉरेन ट्रेड होता था, बार्टर सिस्टम के हो रहा होता था यहाँ पर, ठीक है, बार्टर सिस्टम का ट्रेड था। अगर एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो ग्रीक किंगडम, रोमन एम्पायर के साथ भी जो है इनका एक्सटर्नल ट्रेड था। तो जो पोर्ट सिटी है पुहार की, वहाँ पर एक एम्पोरियम जो है फॉरेन ट्रेड का हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा जो है जो तोलकापियम है, जो बुक थी तोलकापियर की सेकंड संगम में जो लिखी थी, वो बताती है कि जो लैंड था उसका पांच तरीके का डिवीजन करा गया था, जिसमें कि कुरुंजी जो कि हिली ट्रैक्स वाली लैंड है वो सिर्फ किसके लिए यूज होती थी, हनी कलेक्शन के लिए और हंटिंग के लिए, एनिमल्स के लिए। उसके अलावा मुल्लई जो कि पैस्टोरल लैंड थी वो सिर्फ किसके लिए यूज होती थी, वहाँ के लोग क्या करते थे, उनकी चीफ ऑक्यूपेशन क्या थी, कैटल रियरिंग या डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ डील करना उनकी क्या था, मेन चीफ ऑक्यूपेशन था। उसके अलावा मरुडम जो कि एग्रीकल्चर लैंड थी, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, मेन एग्रीकल्चर था। नेडल जो कि कोस्टल एरियाज की लैंड है, इनका ऑक्यूपेशन क्या था, फिशिंग करना और सॉल्ट बनाना। फिर पल्लई जो कि थोड़ा डेजर्टिक एरिया है, इन लोगों का काम था रॉबरी करना। तो क्या कर रहा है तोलकापियम जो है हमें उस टाइम की सोसाइटी के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बताती है। तो उसमें फाइव फोल्ड डिवीजन है लैंड का, वहाँ अलग अलग लैंड है, उनके ज्योग्राफिकल फीचर्स बताए गए हैं उस लैंड के, और बताया गया कि वहाँ के लोगों की चीफ ऑक्यूपेशन क्या होती थी। तो ये सब हो गया संगम एज के बारे में, साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में। इसके बाद जो है हमें 8th सेंचुरी AD तक तो है कोई खास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में, उसके बारे में हमें आगे चल करके जानकारी हम देखेंगे, ठीक है। तो जो बीच का टाइम है संगम पीरियड के बाद से लेकर के इंपीरियल चोलास का जो टाइम है 8th सेंचुरी AD का, वो हमें ज़्यादा हमारे लिए जानकारी हमें नहीं देता। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडे सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आज के सेशन में हमने खारवेल को डिस्कस करा, सातवाहनास को डिस्कस करा और संगम एज साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में चोल, चेर, पंड्या, इन लोगों को हमने डिस्कस करा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की जो है 3 आवर्स का मैराथन सेशन होने वाला है रैंक सिक्योर IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, संडे को, कमिंग संडे 19 जुलाई को दोपहर 12 बजे जो ये सेशन होगा मेरे द्वारा। इसमें मैं पूरी की पूरी समरी आपको बताऊंगा मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की, इंपॉर्टेंस बताऊंगा उसकी। और इसके अलावा जो है ना अकेडमी जो है 3 मेगा बैचेस, 3 डायनामिक बैचेस के साथ आ रहा है। 20 जुलाई मंडे से ये बैचेस शुरू हो रहे हैं, जो कि कंप्लीट प्रिपरेशन में आपको हेल्प आउट करेंगे UPSC CSE 2021 के लिए, ओके। उसके अलावा जो है 3 तरह के बैचेस हैं, बायलैंग्वल GS बैच कोर्स, हिंदी GS बैच कोर्स और इंग्लिश GS बैच कोर्स, जिसमें फुल सिलेबस कवरेज कराया जाएगा, प्रीलिम्स में इसकी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे और इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। 20 जुलाई मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं। जब आप भी ज्वाइन करें तो यूज करिएगा हमारा रेफरल कोड RANK10, मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में जानकारी दूं, अलग अलग मंथली ड्यूरेशन 6 मंथ्स, 12 से लेकर के 24 मंथ्स तक की सब्सक्रिप्शन प्लान है, जिसमें आप 25% से लेकर के 67% तक की कॉस्ट सेव कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ आपको नो कॉस्ट EMIs का ऑप्शन भी मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू योर सब्सक्रिप्शन प्लान आप नो कॉस्ट EMIs में भी पे कर सकते हैं। बात करें 12 मंथ्स वाले कोर्स की, जिसकी कॉस्ट है 24,000, तो 44,000 वाला कोर्स यहाँ पे जब आप यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड RANK10, इससे मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट और ये कोर्स आपको पड़ेगा 39,600 का। कोई भी क्वायरीज है संभव के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करिए, जाइए जाकर के अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करिए, यूज करिए हमारा रेफरल कोड जो कि है RANK10। इस रेफरल कोड को यूज करने से आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन,
कल के सेशन में हम बात करेंगे गुप्ता डायनास्टी के बारे में, ओके। सो कल का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कल मिलेंगे 4 बजे, बात करेंगे गुप्ताज के बारे में, और संडे को मिलेंगे, बात करेंगे मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में 3 आवर्स के मैराथन सेशन में, तो देखना मत भूलिएगा। गुड बाय, गुड लक। आज के सेशन का लिंक जो है, इनके नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्रीवियस सेशंस अगर आपने देखने हैं मेरे, तो उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।